हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ खड़े मसाले का गोश्त। बहुत ही सिंपल सी मटन ग्रेवी रेसिपी है ये, और बिल्कुल आसान सिंपल इंग्रेडिएंट्स में हम बनाएंगे। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने 3 प्याज लिए हैं, उसे मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और आप थिन स्लाइसिस में उसे कट कर लेंगे। ये जो है मसाला हम रेडी कर रहे हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने अनियन स्लाइस कर लिया, ये 2 टमाटर है, इसे इस तरीके से चॉप कर लेंगे। मीडियम साइज़ के टमाटर्स आपको लेना है। इसके अलावा मैंने 3 हरी मिर्ची को बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये मटन है 1/2 किलो विद बोन, इसे धो के हम साइड में रखेंगे। अब ये गरम मसाला है, तो मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और कुछ ब्लैक पेपर, दालचीनी, 1 बे लीफ और क्लोव। अब मैंने कुकर में तेल ले लिया है, उसमें सारे गर्म मसाले हम डाल देंगे और इसे भूनेंगे। फिर इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, इसे भी आप कच्चापन जाने तक के पका लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर मैंने जो प्याज कट करके रखी थी पूरी इसमें ऐड कर दी। प्याज को आपको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है, आपको ओवर कुक नहीं करना है मसाले को। अब इसमें जो है मैंने हरी मिर्ची डाल दी और सारे टमाटर भी डाल दिए। बहुत सारे लोग इसे 2 प्याज़ा भी बोलते हैं और प्याज गोश्त भी बोला जाता है, बट इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इसमें सिंपल से मसाले जाएंगे, नमक, धनिया पाउडर, अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची भी थोड़ी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, और हल्दी। ये सारे मसाले डाल के आप भूनेंगे। बहुत ही सिंपल सी ग्रेवी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, बिल्कुल 15-20 मिनट में आपका जो ये ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। और बिल्कुल इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपको बिना कुकर के बनाना है तो बना सकते हो डायरेक्ट, पर उसमें टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मसाला थोड़ा भून गया है, टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए, मैंने पूरा इसमें मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड करके भी आप भूनेंगे, नमक आपको टेस्ट कर लेना है पहले ही। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगा 1 नींबू का रस, वो पूरा डाल देंगे। और मैंने अच्छी खासी ज़्यादा कोथमीर इसमें ऐड करी है। अब इसे मिक्स करेंगे और मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाला है, बस उतना ही डालेंगे क्योंकि मटन का भी काफ़ी पानी निकलेगा। तो 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे आप कुकर को बंद कर देंगे, 4 to 5 सीटी विसल तक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। अब 4 से 5 सीटी हो गई है और हमारा मटन भी जो है अच्छा खासा गल गया है। अगर पानी आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप जो है ग्रेवी को पका लेंगे, मैंने भी पका लिया, ताकि जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी आप रखेंगे। फिर तो मैंने 10 मिनट और पकाया और ऊपर से और थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दिया। 10 मिनट बाद जो है हमारा खड़ा मसाला गोश्त रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है और बनाने में झटपट। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।